नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते एक विशेष रिपोर्ट के साथ। आज हम बात कर रहे हैं मर्यादित रिश्तों की। जी हाँ, बदलते समय के साथ साथ रिश्तों की मर्यादा भी बदलती जा रही है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली होती है। आज हम आपको एक ऐसा ही मामला बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक बेटी ने महज इसलिए अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि वो उसके प्रेम संबंधों में रुकावट बन रहे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि एक पिता के लिए सबसे प्यारी उसकी बेटी होती है, लेकिन इस कलयुगी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी ने तो सारी हदें पार कर दी और अपने पिता के साथ वो काम कर दिया जिसे सोचने मात्र से इंसान की रूह कांप जाती है। दरअसल मामला बेंगलुरु का है, जहां एक किशोरी ने अपने प्रेमी प्रवीण के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और पेट्रोल छिड़ककर पिता के शव को आग लगा दी। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब बाथरूम से पड़ोसियों ने धुआं निकलता हुआ देखा। जब पुलिस और दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो वहां अधजला हुआ शव पड़ा था और उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर एक बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट क्यों उतारा। दरअसल ये 15 वर्षीय लड़की एक 18 वर्षीय प्रवीण नामक युवक से प्यार करती थी, लेकिन पिता उन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। लेकिन पिता के समझाने पर एक कलयुगी बेटी पिता से खफा हो गई और पिता के दूध में नींद की गोलियां पिला दी। बेहोश होने पर अपने प्रेमी को घर बुलाया और गला रेतकर हत्या कर दी और इस हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। खैर, इस कलयुगी प्रेमी जोड़े की खुशी अधिक देर तक नहीं रह पाई और दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।